आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में साफ हो गया कि पटियाला हाउस कोर्ट में हमले की साजिश वकीलों ने बेहद संगीन तरीके से रची। हालांकि वकीलों की साजिश के सूत्र अभी थमे नहीं हैं। देशद्रोह के आरोपियों को मारने के लिए पेट्रोल बमों से हमले और तिहाड़ जेल में घुसने के बाद हमला करने की तैयारी चल रही है। के आशीष और हरीश शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विक्रम सिंह चौहान के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हमने पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया पर हमला करने वाले दूसरे वकीलों की ओर रुख किया। हम गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले ओम शर्मा के पास पहुंचे। मूल रूप से बुलंद शहर का रहने वाला ओम शर्मा बीते 17 साल से पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, और जब उससे मिले तो उसी के साथ यशपाल सिंह भी मिला, जो 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और बार काउंसिल का एडिशनल सेक्रेटरी रह चुका है। दोनों ने कन्हैया पर हमले की साजिश में खाकी वर्दी से मिली भगत पर सनसनीखेज खुलासा किया। रोकने के लिए सब चीज, लेकिन जो वहाँ के सच में उनका ये बयान है हर पुलिस वाले को, सर वर्दी नहीं पहनी होती ना, हम भी मारते हैं। पुलिस वालों का क्या कहा? वर्दी पहन रखी है सर, मजबूरी है, ड्यूटी करनी है, रोजगार चलाने का, हम भी मारते हैं। आपसे बात पहले से हो गई थी पुलिस वाले? नहीं थी, हमने बात नहीं किया, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमें कन्हैया को सुरक्षित पहुंचाना है। कन्हैया जब वहाँ पेश हुआ तो हमने जो 3 बार गिरा और बाहर हमने इतना मारा है कि उसका 50 बन गया। जो बात विक्रम सिंह चौहान ने खुलासे में बताई उससे दो हाथ आगे जाकर यशपाल सिंह ने दावा किया कि अगली बार देशद्रोही आरोपियों पर पेट्रोल बम से वार होगा। नहीं नहीं, जब वो पेश होगा उस समय ऐसे ही कुछ मारेंगे हम, वही कहना। पेट्रोल बम भी लेके आऊंगा मैं, मेरे पे देश कुछ भी मुकदमा लगे, मटर का भी लगेगा, मैं जेल में छोड़ूंगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वकीलों ने यहाँ तक दावा किया कि वो जमानत तुड़वा कर जेल जाने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि कन्हैया को उसकी सेल में घुस कर मार सके। एक नहीं, सब पे करेंगे सर। अभी मैं पेश नहीं हुआ हूँ, ओम शर्मा जी कल पेश होकर अपने जमानत लेके आ गए और मैं जेल जाऊंगा। मैंने मेरा आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, मेरा इंटरव्यू था तो मैंने कहा था कि मैं जो है मैं जेल जाऊंगा, अगर अरेस्ट हुआ तो मैं कन्हैया वाली सेल में जाना चाहता हूँ। अच्छा, वही जाके मारूंगा सेल में जाके? हाँ, सेल में जाके मारूंगा, तो इसलिए वो चल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल नहीं करूंगा, मैं किसी दिन के लिए जेल जाऊंगा। तो कानून को तोड़ने की तैयारी वकीलों ने फिर से कर रखी है और दावा यहाँ तक कि मीडिया चाहे तो काले कोर्ट में पिटाई के दौरान मौजूद रह सकता है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, काला कोट पहन के मैं कहूँगा अपने 20 आदमी को ना मारना, हम साथ रहेंगे, क्या टेंशन है। ठीक है, काला कोट पहन के ना, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। ठीक है सर, तो है हमारे पास। हाँ बस, अरे है नहीं, खरीद लेना। दोनों वकीलों ने हमारे छुपे कैमरे के सामने ये बताने से भी गुरेज नहीं किया कि यही चेहरे थे जिन्होंने पत्रकारों को पीटा, जेएनयू के प्रोफेसरों को पीटा, और जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसे ये बख्शने वाले नहीं। तो ये चीज थी, हमने पत्रकार भी मारे, जेएनयू के प्रोफेसर भी मारे, सब मारे। देश में रहोगे देश की बात करनी होगी, हमें इतना पता तो ये था। नहीं, अच्छा काम। उसके बाद कन्हैया आया, कन्हैया को चुकी और सच बताओ इंटरव्यू में पुलिस हमें फुल सपोर्ट कर रही है। तो कैमरे के सामने पटियाला हाउस कोर्ट में कानून हाथ में लेने वाले वकीलों का सारा कच्चा चिट्ठा बेनकाब हो चुका है, और अब सवाल है कि अदालत में हमलावर वकीलों के अगर यही तेवर हैं और पुलिस का हाल बेहाल है तो फिर देशद्रोह के आरोपियों की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जांच टीम पर भी पत्थर और बोतलें फेंकने में वकील पीछे नहीं थे। के आशीष के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी साहब, इस इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ रहा है कि पुलिस वाले खड़े रहे, तमाशा देखते रहे और मदद करने की कोशिश नहीं की। हालांकि हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जब मैंने कल शाम में पुलिस कमिश्नर बस्सी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जो वकील हैं ये बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि वकीलों के दावों की तहकीकात होनी चाहिए? राहुल, सबसे पहले तो मैं आज तक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कड़वे सच को अपने दर्शकों के सामने लाने का प्रयास किया। ये
तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है जिसकी आहट मैं भी है आपके चैनल के जरिए। पुलिस प्रशासन पॉलिटिकल पार्टी जब सब मिल जाते हैं तो न्यायालय भी मूक दर्शक होकर के देख रहा है, ऐसा भी हमको लगता है। उनके कन्फेशन के बाद जो आपके टीवी चैनल पर उन्होंने किया है उनके विरुद्ध केस रजिस्टर करना चाहिए और अदालत को 100 मोटो नोटिस लेकर के उनको गिरफ्तार करना चाहिए और सभ्य समाज को, जो सभ्य समाज के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल लिबर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको महसूस करना चाहिए कि कितना शर्मनाक वीडियो है जिसमें खुल्लम खुल्ला तानाशाही पूर्ण तरीके से बर्बरता के साथ। मुझको अपने आपातकाल के दिनों की याद आती है जब हम थाने कोर्ट कचहरी में जाते थे, किस तरह से हम पर फब्तियां कसी जाती थी। तो ये आपातकाल की शुरुआत है, मैं इसको बुरे दिन के रूप में देखता हूँ और मैं उन दिनों की भी याद करता हूँ जब प्री इमरजेंसी डेज में इस तरह की घटनाएं घटती थी। अफसोस ये है, ये आपकी राय है, लेकिन हम दर्शकों को ये भी बता दें कि यहाँ पर जरूरी ये भी है कि कानून अपना काम करे, कि जिन लोगों ने कानून को तोड़ा, खासतौर से वकीलों को, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये करना बेहद ज़रूरी है। केसी त्यागी साहब आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, ऑपरेशन पटियाला हाउस दिखाता है कि किस तरीके से वकीलों ने एक साजिश के तहत पत्रकारों की और कन्हैया कुमार की पिटाई की और पुलिस किस तरीके से खड़े तमाशा देख रही थी, आपका क्या कहना है आशुतोष? राहुल, इस पूरे मसले पर जो जो आज तक और टुडे ने परीक्षण के पहले तो मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के समय में जबकि पत्रकारिता में बहुत गहरे संकट हैं और बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में इस तरीके से साहसपूर्ण स्टिंग ऑपरेशन करना और दिखाना कम से कम बहुत सराहनीय है। इस पूरे मसले पर दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि खुले आम मीडिया के सामने जिस तरीके से वकीलों ने कन्हैया की पिटाई की, पत्रकारों की पिटाई की और बाकी लोगों की पिटाई की, ये अपने आप में कानून का उल्लंघन है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब पूरी दुनिया ने देखा इनको किस तरीके से बदतमीजी करते हुए, मारपीट करते हुए, हिंसा को अपने हाथ में लेते हुए, वैसे में पुलिस मुक दर्शक बनी रही। और इस पूरे मसले पर जब पुलिस कमिश्नर से बातचीत की गई तो पुलिस ने कहा मामूली स्कफल हुआ, जो जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल अलग है और जो पुलिस, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर आए थे उनकी भी रिपोर्ट बिल्कुल अलग है। तो अब ये पहलू कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अगर इस देश के अंदर खुलेआम कैमरे के सामने मारपीट करने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी, मीडिया उसको उजागर करेगा, उसके बावजूद अगर पुलिस के कमिश्नर ये कहेंगे कि नहीं उनके उनका जो वर्जन है उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है क्या इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ लॉ नहीं है। क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, पुलिस अगर मूक दर्शक बनी रहेगी, अदालत जिनसे उम्मीद की जाती है कि न्याय की, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सत्सोपन्नी में पाएंगे, तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर कहाँ और हिंदुस्तान का लोकतंत्र कितना अपने आप। क्या आप चाहेंगे कि अदालत, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, इसका सुमोटो नोटिस ले और कार्रवाई के आदेश दे? क्योंकि फिलहाल लग नहीं रहा, क्योंकि जिस रफ्तार से पुलिस बढ़ रही है वो लगता नहीं कि केस को बहुत गंभीरता से ले रही है, और जो चार्जेस लगे हैं वो भी बहुत मामूली से चार्जेस हैं, जबकि किसी की अगर कस्टडी में पिटाई होती है तो इंडियन पिनल कोड के तहत ये बहुत संगीन आरोप है, लेकिन पुलिस ने केवल पब्लिक में मार पिटाई का आरोप लगाया है जो कि बहुत आसानी से, जिसमें बेल मिल जाती। मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा था कि जिस तरीके से उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कन्हैया की पूरी सुरक्षा की जाए, वहाँ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जाए, और उसके मारपीट के बाद जिस तरीके से 6 ऑब्जर्वर आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मुझे ये उम्मीद थी कि अगले दिन इस पूरे मसले पर कोई बड़ा कदम अदालत की तरफ से उठाया जाएगा और एक ऐसी मिसाल इस देश के अंदर होगी कि कोर्ट रूम के अंदर जो है वो कभी किसी की हिम्मत ना पड़े, किसी के खिलाफ, किसी एक्यूज के खिलाफ मारपीट की जाए और पहले से ये न प्रभावित करने की कोशिश की जाए कि वो दोषी है या विलेन है या खलनायक है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब उसके बाद पुलिस कमिश्नर साहब और पुलिस जो है वो जिस तरीके से उनका रवैया है, तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ के मसले पर एक सवाल खड़ा हो रहा है और हमने और आपको और मीडिया को इस पूरे मसले पर गहन चिंतन करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संस्थानों के ऊपर भी गहरे दबाव है, इंस्टीट्यूशंस आर अंडर ग्रेट प्रेशर। एंड ये नहीं, हम आपको ये बार बार आप कह रहे हैं आशुतोष,
हम आपको भी बता दें और अपने दर्शकों को बता दें कि हम किसी के दबाव में है नहीं, ना आज तक ना इंडिया टुडे ग्रुप कभी किसी के दबाव में रहा है, ना किसी के दबाव में रहेगा, ना कभी भविष्य में भी आगे चलते हुए ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी। आप जहां पे काम किया करते थे वहां पे क्या दबाव था नहीं था इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हम ये जरूर साफ कर सकते हैं कि आज तक ने हमेशा बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता की है और आगे चलकर भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। ये हमारा दर्शकों से वादा है जिस पर हम हमेशा कायम होने की कोशिश करते रहेंगे। आप देख रहे हैं आज तक और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वकीलों ने आज तक के खुफिया कैमरे पर यह कबूल किया कि उन्होंने कन्हैया कुमार और पत्रकारों को लगातार पीटा और पुलिस खड़े तमाशा देखती रही। वकील साथ नहीं दिया आपका? वो जुड़ जाते ना बाद में, वकील नहीं है वो, मतलब वकील आधे चालान वाले हैं। हाँ चालान ही काटते हैं। बम मारना था नहीं होते बाहर से बुआर का से कोई नहीं, कितने लोग कल लगे हैं चले जाते वाय कल कैसे बोले कि क्या बुलाया मैंने बना दो अभी फिर पेशी होगी उसकी जमानत के लिए तब कुछ है प्रोग्राम तो हमें बुलाई जमानत नहीं होगी उसकी अब उम्र खालिद उमर खालिद को भी पीटेंगे। दूसरा वकील कहता है कि अगली दफा पेट्रोल बम से पीटेंगे। बहुत ही बड़ी ये बात उन्होंने कैमरे पे की है, खुलासा किया है, अपने आप को एक तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है और जरूरी अब यह है देखना कि पुलिस इसके बाद अब क्या कार्रवाई करती है। आज श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी उसमें दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वाणी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या